अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? रात को बारिश हुआ था, या मैं बाज़ार में खड़ा हूँ अभी, रात को बारिश हुआ था, बारिश का व्यू देख रहे हैं। अभी तक पानी जमा हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ चौक पे खड़ा हुआ नेवल के गेट के साथ में, नेवल का वो वाला गेट है नेवल का, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। बारिश का पानी कितना जमा है देखो, बारिश का पानी जमा है। हम अभी बाहर निकले सब्जी वगैरह लेने के लिए, इतना कीचड़ है यहाँ पे यार, बारिश का पानी जाता ही नहीं। तीन दिन चार दिन तक ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है, पानी निकालने वाला भी नहीं है। गटर भी बंद है सारा कुछ, जहाँ देखो ये गटर का हाल है। ये सारा कुछ ये पानी वगैरह सब जमा है यहाँ पे, क्या करेंगे? पानी निकालने वाला भी नहीं है यहाँ, गंद ही गंद है यहाँ पे, सब गंद है। इधर देख गोश्त का रेट देखो भाई, गोश्त अभी पहले 500 था, अभी गोश्त का रेट अभी आया है 700-600। ये खाली बाजू का 560 दे दे, काली बाजू का 560 है भाई साहब। ये देखो भाई, यहाँ कितना पानी जमा हो गया है भाई, ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी पानी जमा है यार, पानी कितना जमा है। बारिश बहुत हो गया था रात को, रात को तकरीबन 9 बजे तक बारिश हुआ था, अभी तक पानी जमा है। 9 बजे का पानी है अभी, 9:30 बजे भी पानी अभी तक जमा है यार। देखो यहाँ से रोड के ऊपर बिल्कुल वो मेरा दुकान है, ये पट्टी लगा हुआ है, कितना पानी पट्टी के अंदर कितना पानी गया चला गया था यहाँ पे। मैं जब बारिश ख़त्म हो गया मैं पट्टी के अंदर पानी निकाला, यहाँ पानी कितना जमा था यार, जगह ही नहीं है। हम घूम घूम के यहाँ कहाँ से निकल जाए यार, ये पानी सारा कुछ जमा है। फिर मैं आया गोश्त वाले के पास, गोश्त लिया और गोश्त का 1 किलो 740 था। मैंने आधा किलो गोश्त लिए और यहाँ पे इसने बोला सब्र करो, मुर्गियाँ काट रही है अभी, मुर्गी अभी इसका काल वगैरह उतर रहे हैं, थोड़ा अच्छा गोश्त मिलेगा ताज़ा ताज़ा। मैंने थोड़ा सब्र किया, गोश्त वाले ने मुझे गोश्त दिया, फिर मैं वापस